Hi guys, welcome to SC Gate PSU Short Lecture presented by अभी विद्या में एजुकेशन। ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट है बच्चों, पार्ट 7 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हम लोग ने प्रॉफिट लॉस की बात किया था, पार्ट 7 से हमने डिस्काउंट को स्टार्ट किया है और आज के सेशन में भी हम लोग डिस्काउंट की बात करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस सेशन को मिस कर दिए हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिलॉक्स हो गए, वेन डायग्राम हो गया। तो जितने भी टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उनको मिस कर दिए तो आप वहां से इजीली उनको देख सकते हैं। और जितना टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं उनका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं बच्चों। तो पीडीएफ को अगर आप चाहते हो डाउनलोड करना तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप इजीली वन क्लिक से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है बच्चों, अगर आपको याद होगा परसेंटेज में मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव चेंज क्या होता था कि एक चेंज के ऊपर दूसरा चेंज करते थे तो उसको सक्सेसिव चेंज बोलते थे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट उसी का एक स्पेशल केस है। इसमें क्या हो रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट में मतलब एक क्वांटिटी है उसको डिक्रीज किए फिर उसके बाद दोबारा डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब अगर लेमन लैंग्वेज बोला जाए तो डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट के ऊपर पर अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देके इस बात को समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए एग्जांपल लिया बच्चों, मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने किसी स्टोर में गए तो वहां पे शॉपकीपर था, आपने बोला कि ये प्रोडक्ट मुझे दीजिए, तो वो बोला कि इस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज है। उसने बोला इस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज है लेकिन स्टोर में स्पेशल ऑफर चल रहा है, 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है हर प्रोडक्ट पे। यानी कि आपको सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 100 रुपीज का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो इसमें 10 घटा देगा, बोलेगा आपको केवल 90 रुपीज पे करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपने सुना कि 90 रुपीज पे करना पड़ेगा तो आपके दिमाग में आया कि ये जो प्रोडक्ट है इससे और सस्ता मिल सकता है, तो आप उससे बोले कि नहीं ये अभी भी हमको महंगा लग रहा है। तो शॉपकीपर आपको मान लो एक एक्स्ट्रा ऑफर दे रहा है, बोला कि सर आपके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे देते हैं। तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का मतलब ये हो गया बच्चों कि देखो 10% जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कैलकुलेट करेगा आपको ये 90 रुपीज जो चेंज होकर आ गया इस पे 10% का डिस्काउंट देगा। यानी कि 90 का 10% का डिस्काउंट देने का मतलब 90 का 10% वैल्यू निकाल के क्या करेगा, घटा देगा। तो 90 का 10% कितना होगा, -9 होगा, तो 9 इसमें से घटा देगा तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 81 रुपीज पे करना पड़ेगा। यानी कि 10% का 2 डिस्काउंट है उस पे कितना आपको पे करना है, 81। अब सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट समझो, देखो पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपीज, आपने उस पे 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू उस प्रोडक्ट का आ गई, डिस्काउंट देने के बाद आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब 90 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है न कि 100 पे, तो ध्यान रखना चेंज के ऊपर चेंज हो रहा है। मतलब एक बार डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट के बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस आ रहा है उस पर दूसरा डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। अब देखो आपको लग रहा है कि 10% 10% 2 डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो आप 100 रुपीज के प्रोडक्ट के लिए आप कितना पे कर रहे हो, 81 पे कर रहे हो, यानी कितने रुपया कम हो रहा है आपके लिए, तो 90 रुपीज क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो 90 रुपीज 100 का कितना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 19% है, और 19% क्या हो गया है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो 19% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको लग क्या रहा था कि 10% 10% 20% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको मिल रहा है 19% का डिस्काउंट। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट है। डिस्काउंट एक बार कैलकुलेट किया गया है, जो चेंज वैल्यू है उस पे दोबारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसलिए आपको 19% डिस्काउंट मिल रहा है 20% के जगह पे। क्लियर है ये बात, यानी कितने लोग बोलेंगे कि सर ये सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो सक्सेसिव चेंज वाला फार्मूला इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि चेंज क्वांटिटी के ऊपर फिर से चेंज किया जा रहा है, और वो फार्मूला क्या होता है सक्सेसिव, अगर टू सक्सेसिव दिया उसको सिंगल में कन्वर्ट करना, तो आपको फार्मूला में बता चुका हूं ए प्लस ए बी बाई 100। अब ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं ये बात आपको बोल चुका था बच्चों कि जब ये भी ये फार्मूला अप्लाई करना, अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लस लेना, और डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या लोगे, माइनस लोगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये दोनों तो निगेटिव ही आएंगे हमेशा, ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, ठीक है। अब इसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ए की वैल्यू कितने लेंगे, -10, बी की वैल्यू भी क्या लेंगे, -10। यानी आप फार्मूला में पुट करोगे तो -10 -10 प्लस -10 -10 डिवाइडेड बाई 100,
यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो -20 +1 आ जाएगा, यानी -19। अब रिजल्ट -19 आने का मतलब क्या समझ रहे हो कि माइनस जब भी आता है इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट होने का मतलब क्या है? डिस्काउंट है। यानी कितने लोग बोलेंगे कि 19% का क्या हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है आपको। 19% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से अगर कैलकुलेट करना है तो टू डिस्काउंट को अगर निकालना है बच्चों तो उसको माइनस माइनस दोनों को रखोगे और ये फार्मूला में निकाल लोगे, ठीक है। अब बुक्स में बच्चों इसके लिए स्पेशल एक फार्मूला बना दिया जाता है, देखो कैसे। देखो जब भी डिस्काउंट होगा आपको पता है कि ये क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है, यहां भी माइनस आने वाला है। तो मान लेते हैं कि 1% का डिस्काउंट हो रहा था पहले, फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट हो रहा है, ये दोनों माइनस आने वाले हैं बच्चों। तो इस फार्मूले के हिसाब से रखोगे तो क्या आएगा? माइनस ए माइनस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब लोग इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, माइनस ए माइनस बी आइए प्लस ए बी बाई 100, और उसके बाद क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा बच्चों? ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। यानी देखो अब ये जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट का मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। तो लोग बोल देते हैं कि डिस्काउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट ये अप्लाई कर दो, ए बी बाई 100, ये बोलते हैं लोग कि डिस्काउंट का डायरेक्ट क्या करो फार्मूला अप्लाई कर दो। अगर टू डिस्काउंट दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, आप आंसर निकालो। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप याद रखते हो तो रख लो, नहीं तो आपको डायरेक्ट आपको सिंपल से एक ही फार्मूला में बोला हूं आपको शुरू से ही याद करने के लिए कि ये फार्मूला बस याद रखो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर डिक्रीज हो रहा है तो दोनों को जो जो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर ए डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में रखना, बी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में रखना। अगर दोनों इंक्रीमेंट होता है तो हम लोग प्लस लेते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन डिस्काउंट के केस में क्या होता है? दोनों के दोनों माइनस होते हैं, इसीलिए एक ये फार्मूला बना दिया जाता है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि ये फार्मूला रटो आप, अब बस याद रखो a प्लस ए बी बाई 100, बस एक ही फार्मूला रखो। और आपको पता है कि डिस्काउंट में दोनों माइनस में होता है क्योंकि दोनों डिक्रीज हो रहा है, a और b की वैल्यू दोनों निगेटिव रखना है, बस आपको ये याद रखना है। और रिजल्ट भी आपको निगेटिव आएगा, मतलब वो डिस्काउंट हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट बच्चों बहुत ही खतरनाक चीज होती है, इसको यूज करके स्टोर वाले आपको दिन में ही बेवकूफ बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जांपल लेके। ये मैं आपके सामने एक ऐड खुला हुआ एडवर्टाइजमेंट है, देखो बच्चों क्या होता है, जब किसी शॉप में या फिर स्टोर में जब ऑफर चलता है तो कुछ इस टाइप का बैनर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस टाइप का कुछ बैनर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी स्टोर के सामने से गुजर रहे हो तो वहां पे एक ये बैनर लगा हुआ है, तो आप जैसे पढ़ोगे तो आपके देखो डिस्काउंट एक ऐसा चीज है ना कि कोई भी कहीं भी डिस्काउंट लगा देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अरे यार डिस्काउंट चल रहा है। भले आपको परचेज नहीं करना है लेकिन आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को बताओगे कि वहां पे डिस्काउंट चल रहा है यार, कुछ लेना है तो ले लो, ठीक है। तो डिस्काउंट एक ऐसा चीज है जिससे आदमी लुभा जाता है, मतलब आपको अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने देखा कि 50% ऑफ है तो आपको लगेगा कि 50% ऑफ है, लेकिन एक्चुअल में 50% ऑफ नहीं है क्योंकि लिखा है अप टू 50% ऑफ। अप टू का मतलब क्या होता है इस बात को समझो, अप टू का मतलब ये होता है बच्चों कि स्टोर में जितने भी सामान है सब पे 50% ऑफ नहीं है, मैक्सिमम 50% का ऑफ मिल रहा है। मतलब कि मान लो कि स्टोर में 100 सामान है, मान लो कि 100 सामान को बेचता है स्टोर वाला, ठीक है, 100 आर्टिकल बेच रहा है, तो कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जिस पे 10% का डिस्काउंट होगा, कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जिस पे 15% का डिस्काउंट होगा, कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जिस पे 0% का डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन एक एटलीस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होगा शॉप में जिस पे 50% का ऑफ होना चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं कि अप टू 50% ऑफ है। तो शॉपकीपर वाले क्या करते हैं कि 100 में से 99 प्रोडक्ट पे अपने मन के हिसाब से ऑफर रखते हैं और एक प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि 50% ऑफ कर देते हैं। तो 50% ऑफ जैसे एक प्रोडक्ट में करते हैं बच्चों, वो इस चीज को लिख सकते हैं कि अप टू 50% डिस्काउंट है। तो जैसे आप देखोगे अप टू 50% डिस्काउंट, आपको लगेगा कि हर प्रोडक्ट में 50% का डिस्काउंट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसमें 50% का डिस्काउंट हो सकता है, सारे में नहीं रखते हैं, क्योंकि सारे में लिखते हैं, अगर सारे प्रोडक्ट पर अगर 50% ऑफ रहता तो ये अप टू के जगह पर डायरेक्ट ऐसे लिखा होता फ्लैट 50% डिस्काउंट, मतलब फ्लैट 50% ऑफ। अगर फ्लैट वर्ड यूज कर दिया होता इसका मतलब कि सब प्रोडक्ट जितने स्टोर में 100 प्रोडक्ट है तो सारे प्रोडक्ट पे 50% का डिस्काउंट है, क्लियर है ये बात। अब देखो ये तो लिख दिया, उसके आगे लिखा है प्लस प्लस एक्स्ट्रा फ्लैट 30% डिस्काउंट, मतलब ये तो डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा, उसके साथ में एक्स्ट्रा फ्लैट 30% डिस्काउंट। जैसे इतना पढ़ोगे आपके मन में क्या होगा, खुशी आएगी कि यार 50% डिस्काउंट फिर 30% डिस्काउंट। अब 50% डिस्काउंट और साथ में 30% मतलब 80% डिस्काउंट हो गया, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में वो लिखा है ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हो गया, यहाँ फ्लैट तो बोला लेकिन यहाँ पे इस लाइन का मतलब हो गया कि फ्लैट 30% डिस्काउंट है लेकिन सारे प्रोडक्ट में
नहीं है। अब दुकान वाले क्या दिमाग लगाते हैं बच्चों, कि जिस प्रोडक्ट में वो 50% ऑफ दिया है उसमें एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट देगा ही नहीं। अब मान लो बच्चों कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लिया जिस पे 50% ऑफ था, उसके बाद एक्स्ट्रा 30% और ऑफ है उस पे, तो उसी प्रोडक्ट पे 30% दोनों का ऑफ है, तो 50% ऑफ है फिर उसके बाद क्या है 30% ऑफ, तो आपको लगेगा कि ये 80% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में 80% का डिस्काउंट नहीं होता है। कितने का होता है तो देखो मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। मान लो प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये है, तो पहले वो 50% ऑफ देने का मतलब उसको 50% से डिक्रीज करेगा, 50% डिक्रीज करने का मतलब -50 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 50, फिर 30% का डिस्काउंट देगा। अब जो 30% का डिस्काउंट देगा बच्चों, ये चेंज हो गया, इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट देगा, यानी इसको 30% से डिक्रीज करेंगे तो इसका 30% निकाल के इसमें घटा देंगे, इसका 30% घटाओगे तो कितना होगा बच्चों, तो 10% की वैल्यू 5 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 में से 15 घटा दोगे तो कितना आएगा बच्चों 35, यानी कि 100 रुपीस के प्रोडक्ट पे आपको 35 रुपीस पे करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है आपको, तो ओवरऑल आपको 65% का ही डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपको लग क्या रहा था कि 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आप वो कितने का मिल रहा है 65% का डिस्काउंट। तो ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि 50% और 30% दोनों को लोग क्या करते हैं, ऐड करके 80% बोल देते हैं कि 80% का डिस्काउंट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। स्टोर वाले दिमाग लगाते हैं, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, हमेशा स्टोर वाले सक्सेसिव डिस्काउंट ही देते हैं क्योंकि उनमें उनको बेनिफिट होता है, 80% के जगह वो 65% ही आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब जैसे अब इसको समझो, इसको प्राइस में कैसे फर्क पड़ेगा। अगर मान लो कि आपने 100 रुपये का सामान खरीदा तो आपके दिमाग में कि 80% का डिस्काउंट है तो आपको 20 रुपया पे करना है, लेकिन एक्चुअल में आपको 20 रुपया नहीं पे करना है, आपको 65% का डिस्काउंट करेगा, मतलब आपको 35 पे करना है, यानी कि 100 रुपये के सामान पे आप सोच रहे थे कि 20 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आपको देना कितना पड़ेगा 35, यानी कितना आपके सोच से कितना ज्यादा देना पड़ेगा, 15 रुपया का नुकसान होगा आपको। आप अपने दिमाग से सोचे कि आपको 20 रुपये का सामान मिल जाएगा, आप ले लिए, लेकिन वो 35 का मिलेगा, यानी कि आपको 15 रुपये का नुकसान हो गया, 100 रुपये पे 15 रुपये का नुकसान हो रहा है बच्चों, तो 1000 रुपये का मान लो सामान लिए तो 150 रुपये का नुकसान होगा, अगर 10,000 का सामान लिए तो 1500 रुपये का नुकसान होगा, अगर मान लो आप टीवी खरीदने गए 1,00,000 का, तो 1,00,000 का टीवी खरीदोगे तो आपको लगेगा 80% का डिस्काउंट है, यानी कि 1,00,000 पे आपको 15,000 का नुकसान हो जाएगा, आपके हिसाब से 1,00,000 टीवी पे, 1,00,000 की टीवी पे आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, 80% का डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन आपको पे कितना करना पड़ेगा 35,000 का, यानी आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 15,000 का आपको नुकसान हो जाएगा। तो बी केयरफुल, आपको क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, जब भी शॉप पे जाओ तो आप देखो जो एक्स्ट्रा लिखा था इसका एक्स्ट्रा को डायरेक्ट इसको ऐड मत करो, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो याद रखना, आज के बाद किसी भी शॉप पे जाना तो बी केयरफुल, जैसे बहुत लोग शॉपिंग करते हैं तो देखो ऐसा होता है स्टोर में कि कोई प्रोडक्ट रहता है उस पे बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो 10% का डिस्काउंट होगा। जैसे मान लो कि आप किसी शॉप में गए, आपको एक प्रोडक्ट बोला गया कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, इसको समझा रहा हूँ जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है आपको, उस पर मैं स्टोर वाले 30% का ऑफ दिया, 30% का ऑफ दिया, तो 30% का ऑफ देने के बाद कितना हो जाएगा, आपको स्टोर के जब काउंटर पर जाओगे तो आपको 700 रुपये मांगेगा, और साथ में भी बोलेगा कि सर आप अगर SBI से पे करेंगे क्रेडिट कार्ड से SBI को, आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा। तो मान लो आपने SBI कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड था, आपने 5% डिस्काउंट और ले लिया, तो 5% जब डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपको 700 रुपये का 5% डिस्काउंट मिलेगा, न कि 1000 का, तो 700 रुपये का 5% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो 700 का 10% होगा 70, 5% कितना 70 का आधा मतलब 35, यानी कि 35 का ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 35 का डिस्काउंट मिला, तो इसमें 35 घटाओगे बच्चों तो 665 रुपीज आएगा, यानी कि आपको लग रहा था कि पहले 30% ऑफ हो गया फिर 5% मतलब 35% का ऑफ हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इससे कम डिस्काउंट मिलता है। क्लियर ये बात। अब देखो 1000 का ये है तो कितने लोग बोलेंगे कि आपको लग रहा था कि 35% का डिस्काउंट है, लेकिन एक्चुअल में कितने का डिस्काउंट हो रहा था, आप खुद यहां से कैलकुलेट कर लो कि कितना का डिस्काउंट हो, 35% से क्या आएगा, कम का डिस्काउंट आपको दिखेगा। यानी कि बी केयरफुल, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिस्काउंट वहां पर मिलता है, दो दो डिस्काउंट, तीन तीन डिस्काउंट, बहुत सारे शॉप वाले तो तीन तीन डिस्काउंट देते हैं, तो मतलब तीन तीन सक्सेसिव अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो वहां पर तो और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कभी भी कोई सामान परचेज करते हैं तो बी केयरफुल। ठीक है, ये तो आपको रियल एग्जाम्पल देकर समझा दिया। अब मैं काम करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राम गेट्स ए डिस्काउंट 35% एंड देन 12% ऑन हिज फूड बिल। देखो पहले वो डिस्काउंट मिलता
35% का, उसके बाद उसको फिर 12% का और डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिलेगा, मतलब जो उसका प्राइस रहा होगा उसको 30% 5% से घटाया गया होगा, फिर जो आया होगा उसको फिर 12% से घटाया गया होगा, तो उसके बाद जो यहाँ पे आया होगा कितने का डिस्काउंट ओवरऑल या कितने का डिस्काउंट मिला। तो कितने लोग बोलेंगे सर हमको पता है, तो हम सक्सेसिव का फार्मूला लगा देते हैं। तो सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ए बी का मतलब, ए का मतलब कितना हो गया -35, अब बी का मतलब क्या हो गया -12, माइनस लेंगे याद रखना, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 35 12 बाई 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 37, ये -47 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ देखो ये प्लस ये हो जाएगा 25 4 से जाएगा और ये क्या जाएगा 3 टाइम जाएगा, अब ये 5 टाइम जाएगा ये 7 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 5। यानी कितने लोग बोलेंगे सर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, नियरली 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्लोज है ये, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स और 4 ऑफ 2 4.2 जाएगा। ठीक है 4.2, तो 4.2, अब 4.2 जाएगा तो बच्चों कितने लोग बोलेंगे कि लास्ट में 0.2 है, तो जो भी आंसर आएगा 0.8 आना चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका ए आंसर टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है इस फार्मूले को यूज करना, दोनों को माइनस में रखना, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है आपकी मर्जी है आप ऐसे, अब नंबर भी लेके कर सकते थे, देखो नंबर मान लेते कि 100 रुपये प्राइस है, 35% से घटा हुआ तो कितना आया होगा, 35% से घटने के बाद कितना प्राइस हो गया, 65 हो गया, 65 का 12% से घटाएंगे तो 12% इसका निकाल के इसमें से घटा के यहाँ पे लिखोगे, फिर 100 में से देखो कितना चेंज हुआ, उतना बोलोगे डिस्काउंट हुआ है। तो इतना करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल लो, तो हमेशा सक्सेसिव को प्रीफर करना, सक्सेसिव के फॉर्मूले को प्रीफर करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये वाइजाक स्टील प्लांट 2015 में है, सक्सेसिव डिस्काउंट आप 10% 12% 50%। ठीक है अब पूछा कि सिंगल डिस्काउंट कितना होगा अमाउंट पे, तो देखो 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया बच्चों, मान लो ये प्रोडक्ट होगा उसको 10% से घटाया होगा, फिर जो आया होगा उस पर फिर 12% का घटाया होगा, फिर जो आया होगा उसको 15% घटाया होगा, तो बोला गया आपसे कि ओवरऑल ये चेंज कितना होगा ये आपको निकाल के बताना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 सक्सेसिव है तीनों माइनस में, तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, तो देखो ध्यान समझना इस बात को। तो तीनों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले 2 को निकालना है, 2 को एक साथ निकालोगे इसको निकालोगे, 10 और 12 का कितना होता है बच्चों, तो 10 और 12 का कैलकुलेट करोगे तो -10 -12 और +10 × 12 / 100, यानी यहां से आ जाएगा -22 और ये कितना आ जाएगा 1.2, तो ये प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 1.2, तो मतलब ये कितने लोग बोलेंगे सर ये करीब 20.8 के आसपास आएगा माइनस। अब ये जब इन दोनों का निकल गया तो इसको किसके साथ, इसके साथ निकालेंगे, तो -20 20.8 है तो मान लो 21 है नियरली, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब वहाँ पे -15 रखेंगे, ठीक है तो -15 रखेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15 × 21 / 100। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आप जब सॉल्व करोगे देखो कितना आ रहा है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 3 -36 और ये प्लस हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 20 और ये 1 मतलब नियरली 3 आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे नियरली अप्रॉक्स 33 के आसपास आएगा, तो 33 के जो क्लोज आंसर होगा इसी को टिक कर देंगे, तो 33 का आप क्लोज में कौन सा है डी, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। तो जब भी 3 डिस्काउंट निकालना हो तो याद करो 3 नंबर का सक्सेसिव निकालना आपको सिखा चुका हूं, पहले 2 का एक साथ निकालना, जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ निकाल लेना, किसी का भी 2 निकाल सकते, जरूर नहीं कि इसको इसको निकालो, 12 15 का भी पहले निकाल सकते थे, उसका रिजल्ट जो आता उसको 10 के साथ निकाल लेते, आपकी मर्जी है। ठीक है 3 हो या 4 हो, आप 4 का भी निकाल सकते हो, 2 का पेयर बना के निकालना, फिर जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को एक साथ निकाल लेना, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा। अब याद रखना बच्चों यहां पे माइनस दोनों, ये तीनों के तीनों माइनस है क्योंकि डिस्काउंट है, आपको माइनस वर्ड यूज करना है, ये याद रहे आप लोगों को। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों कि कंपनी ऑफर 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, 4 तरह की सक्सेसिव डिस्काउंट देती है, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर, तो कंपनी एक कस्टमर को 4 तरह का सक्सेसिव ऑफर करती है डिस्काउंट, तो कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा होगा, तो कस्टमर के लिए वही अच्छा होगा जिसमें उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर कस्टमर पढ़ा लिखा होगा तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालेगा, जिसमें ज्यादा डिस्काउंट उसको लगेगा वो वाला एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे देखो अगर ए ऑप्शन को चेक करते हैं तो ए फार्मूला आपको पता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, लेकिन डिस्काउंट है तो आपको माइनस में रखना है, पहला ध्यान रखना है पहला बात। तो ए ऑप्शन को चेक करोगे तो -40 -10 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 × 10 / 100। तो अगर वो पहले ऑफर को लेता है तो उसको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, तो -40 -40 -10 -50 और ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -50 + 4, तो ये आ जाएगा बच्चों -46%, तो यानी 46% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ए ऑप्शन को चूज करता है। बी को करेगा तो क्या होगा -45 -5
और ये प्लस 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस 50 आएगा। अब इसको देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 जाएगा, फिर 4 जाएगा, ये 9 जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 4 होगा तो ये कितना होगा, 2.25 आएगा। यानी इसकी वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 2.25 का मतलब कितना आ जाएगा, नियरली 47.75 के आसपास आएगा माइनस में, इसका अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। सी को देखते हैं तो सी को चेक करेंगे बच्चों, 30 माइनस 20 आइए प्लस 30 इंटू 20 बाई 100, तो इसको कैलकुलेट करना आसान है, 0 0 कैंसिल, ये 6 आ गया, तो ये हो गया माइनस 50 प्लस 6 आ गया, तो ये कितना आ गया, 44% माइनस 44% मतलब 44% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, तो ए तो आंसर हो नहीं सकता, हम पहले बोल सकते हैं, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि बी इन सबसे ज्यादा आ रहा है। अब डी को चेक करके देख लेते हैं, तो डी को रखेंगे बच्चों तो -35 -15 + 35 × 15 / 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो -50 तो आएगा ही आएगा इन दोनों का, और इसको करोगे तो 3 टाइम जाएगा, ये 20 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा, यानी कि 21 / 4 जाएगा, यानी कि -50 ये हो जाएगा 5.25। अब इसमें से 5 घट रहा है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो कम आएगा इससे, इसका मतलब कि ये भी क्या आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर वो कस्टमर बी वाले को सक्सेस डिस्काउंट लेता है तो उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और कितने का मिलेगा, 47.75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इस टाइप के क्वेश्चन पब्लिक सेक्टर में आए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं, स्टार लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों कि ए शॉपकीपर ऑफर 50% डिस्काउंट ऑन ऑल प्लास्टिक टॉय, जितने भी प्लास्टिक के टॉय है वे 15% का डिस्काउंट देता है, ठीक है भाई। ही ऑफर फर्दर डिस्काउंट ऑफ 4%, उसके अलावा 4% का डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट ऑन रिड्यूस प्राइस। देखो ये ईमानदार है, यहाँ पे बता दिया कि पहले डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचेगा, रिड्यूस प्राइस होगा, उस पर डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को, अगर कस्टमर पे करता है कैश में, तब कस्टमर अगर कैश में पे करता है तो उसको क्या मिलेगा, 4% का और डिस्काउंट मिलेगा। अब आपसे बोला गया है कि कस्टमर एक टॉय खरीदता है 200 रुपए का, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो और वो कैश में कर रहा है, तो कैश में कर रहा है तो वो 50% डिस्काउंट के लिए भी एलिजिबल है और 4% डिस्काउंट के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर वो 200 रुपए का सामान खरीदा है तो सबसे पहले तो उसको मिलेगा 15% डिस्काउंट, दुकान वाला देगा 15% डिस्काउंट का मतलब 15% से घटा देंगे, इसकी 15% की वैल्यू निकालना बहुत आसान है बच्चों, 200 का 15% कितना होता है, 30 होता है, यानी कि यहाँ से 30 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी वो 170 रुपया उसको पे करेगा, लेकिन पे कैसे कर रहा है, कैश में कर रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा देखो यहाँ पर रिड्यूस प्राइस पे 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 170 पे फिर 4% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 4% से इसको घटाएंगे, इसकी 4% की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके 4% की वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1.7 होगी, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखे तो ये हो जाएगा 8 और 2 और ये 6.8 रुपीज से क्या होगा, डिस्काउंट उसको मिलेगा, यानी कि 170 में से हमको क्या करना पड़ेगा, -6.8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब 6.8 करेंगे तो 163.2 रुपीज आएगा, इतना उसको पे करना पड़ेगा अगर कैश पे कर रहा है तो। अगर कस्टमर कैश पे नहीं किया होता, मान लो कार्ड से किया होता, तो उसको 170 रुपया पे करना पड़ता है, लेकिन वो कैश से पे कर रहा है इसलिए उसको 163.2 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, आंसर कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन गेट 2014 में आया था, 2 मार्क्स का, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना और आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें गलती होने का चांस ही है बच्चों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन में आया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अगर थोड़ी भी गलती करोगे तो आपको करेक्ट होने का चांस नहीं मिलता। ऑप्शन आने से क्या होता है कि अगर गलत आंसर निकल जाता है, ऑप्शन कोई मैच नहीं करता, तो आप दोबारा चेक कर लेते हो, लेकिन न्यूमेरिकल डेटा में क्या है कि एक बार आपने जो कैलकुलेट कर लिया उसी को आप पुट करोगे, क्योंकि आपको चेक करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करना और आंसर कमेंट करके बताना। आंसर कमेंट करने का तरीका आपको पता है, होमवर्क क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर लिख के आपको लिख देना कि आंसर आ रहा है, ठीक है। तो होमवर्क लिखना है, उसके आगे जो नंबर आएगा वो नंबर लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। जो लोग गेट की सीरियसली प्रिपरेशन करना बच्चों, आप एज्यूम करना कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर डेली 1-2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, तो आपको डेली 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। और साथ में बच्चों
यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन फॉलो कर सकते हो इस पेज को, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है। और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उनका सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है उसका लिंक इस टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर किया जाता है, या फिर यूट्यूब चैनल का रिकॉर्डिंग कोई भी न्यूज होता है तो इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया जाता है। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इन सबको ज्वाइन करना बहुत आसान है, इन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।